नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करते हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 7 के बारे में। मेरे पास बहुत से का कमेंट आया है कि सर आप चैप्टर 7 हमें रीड करवाइए, तो हमें डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर आपको रीड करवा रहा हूं। चैप्टर का नेम हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले आप ध्यान से सुनना कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखो, कंट्रोल कंट्रोल मींस होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। एंड कोऑर्डिनेशन मींस, कोऑर्डिनेशन को हम साधन भाषा बोलते हैं तालमेल। क्या बोलते हैं? तालमेल। देखो, जैसे कंट्रोल हो गया तो हमारा, जैसे ब्रेन ले लिया हमने, ठीक है, क्या लिया हमने? ब्रेन लिया। अब ब्रेन किन किन चीजों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल यानी नियंत्रण करता है, तो वो तो आता है उसमें कंट्रोल में। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, वो हमारे बॉडी के किस पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल करता है, किसको नियंत्रण करता है, तो वो सारी चीजें हम लेंगे कंट्रोल में। दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है तालमेल, या जिसको हम बोलते हैं समन्वय, ठीक है। अब वो कैसे? जैसे हमारा हार्ट हो, ठीक है, हमारी किडनी हो गई, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, ठीक है, इनके बीच में तालमेल होना जरूरी है। कैसे? एक लंग्स हो गया, हार्ट आपको ये बोले कि नाइट हो गई है, कहने का मतलब रात हो गई है, अब मैं सो जाता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? हम लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। नेक्स्ट, किडनी ये करती है ब्लड का शुद्धिकरण नहीं करती है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट नहीं करती, बाहर नहीं निकालती है, बोल दे कुछ कुछ समय के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूं, तो क्या वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। लंग्स होते हैं, वो ब्रीथ नहीं करेंगे कुछ समय के लिए, तो हम क्या हो जाएंगे? हम डाई हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ये हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, तभी इसमें है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। तालमेल का मतलब होता है समन्वय। हम क्या बोलते हैं इसको? समन्वय। कि हार्ट होता है, ठीक है, वो रेगुलर चलता रहता है, सब सो जाते, लेकिन हार्ट कभी भी नहीं सोता है, और जब ये सो गया तो इसका मतलब डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल, जैसे ब्रेन किसी चीज पे कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन तालमेल कैसे होता है, ठीक। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? नियंत्रण और समन्वय क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टूगेदर, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टूगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर, ठीक है। जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के सभी अंग होते हैं ना, ठीक है, वो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टूगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर, ठीक है। रेगुलेटेड का मतलब लगातार काम करते रहते हैं, बंद नहीं करते काम करना, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम रीड करेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कितने टाइप्स के, कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय कितने टाइप्स का होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार का होता है? देखो, मोस्टली कोऑर्डिनेशन टू टाइप्स का होता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, इसमें जो मैसेज होता है वो किसके द्वारा जाता है?
नर्वस जो कोऑर्डिनेशन होता है इसमें जो बॉडी में जो मैसेज होता है वो किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा। ओके, जो नर्वस जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें जो मैसेज होता है किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा जाता है, ठीक है। और हॉर्मोनल, आपको नाम से पता है हॉर्मोनल, हॉर्मोन्स कहने का मतलब इसमें जो भी मैसेज जाता है वो हॉर्मोन्स के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? हॉर्मोन्स, या दूसरा हम बोल सकते हैं इसको केमिकल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स ही होते हैं और उनके द्वारा क्या जाता है? मैसेज जाता है। देखो नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है उसमें जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा जाता है, और हॉर्मोनल में हॉर्मोन्स के द्वारा, केमिकल के द्वारा जाता है। ठीक है, नर्वस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, नर्वस होता है इसमें बहुत ही फास्ट होता है, और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है ना, आपसे कोई पूछे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो आप क्या बताओगे? नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो केवल एनिमल्स में होता है। किस में होता है? एनिमल्स में, क्योंकि आप जानते हो जो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो किस में होती है? एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है एनिमल्स, ठीक है ना। और जो हॉर्मोनल जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स एंड प्लांट्स। रिवाइज अगेन, कोऑर्डिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हॉर्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा होता है, ठीक है, और जो हॉर्मोनल होता है वो हॉर्मोन्स के द्वारा, केमिकल के द्वारा होता है, उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन सबसे फास्ट होता है, हॉर्मोनल बहुत ही स्लो होता है, ठीक है ना। और नर्वस कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल ये एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड हो गए, ठीक है, ये किस में होता है? एनिमल्स में होता है। ठीक है, हॉर्मोनल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। इसकी नेक्स्ट स्टेप है, हम कल स्टडी करेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।